नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके ही चैनल द फैक्ट टाइम में। हमारे साथ कुछ नौजवान जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैम, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कितने समय से डेरा में आ रही हैं? मुझे तकरीबन जब मैं 5th क्लास में थी तब से आ रही हूँ और 15 साल हो गए हैं कि मुझे नाम लिए हुए यहाँ से। और मैम, आपको कितना समय हो गया डेरा में आते? 25 साल हो गए। मैम, सीधा सवाल आपसे ये है कि मीडिया में दिखाया गया कि डेरा में सिर्फ अनपढ़ लोग आते हैं या वेल क्वालिफाइड लोग आजकल इस चीज़ को अंधविश्वास मानते हैं या अंधभक्त कहलाते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं सर, मैम बिल्कुल, मैंने बीटेक की हुई है और मैं आज भी डेरे में, मेरा पूरा विश्वास है। मुझे यहाँ आके जो आत्मविश्वास मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं मिलता। आज मैं जो भी हूँ मैं वो यहाँ से पाई हुई शिक्षा की वजह से ही हूँ। और जब पिताजी ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने की ऐसे समझाया कि बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं, कैसे हम बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, आज मैं उसी चीज़ पर, आज मेरे सारे परिवार को मेरे पे मुझ पर मान है, मैं अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती हूँ। ओके मैम, और जो मीडिया में दिखाया गया उस पर आपका क्या कहना है? मीडिया तो मैडम अब क्या ही कह सकते हैं, अब हमारे अभिनंदन जी जो पाकिस्तान चले गए थे उन्होंने भी आके यही कहा है कि मीडिया बहुत ही गंदा है इंडिया का, इतना कुछ है नहीं जितना उन्होंने कर रखा है। इंडिया पाकिस्तान की जो भी इतनी उन्होंने भी है नहीं कॉम्प्लिकेशन जितनी मीडिया ने बना रखी हैं। तो मैं मानती हूँ बिल्कुल कि इस बार जो फॉसिल्स की हमारी रिपोर्ट आई है उनके अकॉर्डिंग भी सबसे नंबर वन करप्ट इंडियन मीडिया है, तो इस अकॉर्डिंग मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ करप्शन है, वो लोग नहीं देख पाए गुरुजी की, वो इसलिए उन्होंने ये सब फैलाया है। यहाँ से मैं हमेशा आ रही हूँ, हमेशा मुझे यहाँ पे अच्छी बातें सिखाई गई हैं, अच्छे संस्कार सिखाए गए हैं और करेक्टर कैसे अपना हाई रखना लड़कियों को वो सिखाया गया है। तो मैम, ये आपका व्यू रहा मीडिया के लिए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस डेरा में कैसा रहा कि जब भी बाबा जी से मुलाकात होती थी तो किस तरह की बातें बाबा जी करते थे? हमेशा ही इंतज़ार रहता था बाबा जी से बात करने का, क्योंकि वो जो हमें सिखाते थे वो कहीं और सीखने को नहीं मिलता था। वो ऐसे से टिप्स देते थे हमें पढ़ाई में कि ऐसे इतना बड़ा सिलेबस होता था यूँ हम चुटकियों में कवर कर लेते थे। ऐसे ऐसे टिप्स वो हमें देते थे, ऐसे ऐसे टिप्स वो आज भी मेरे काम आती हैं। मेरे ऑफिस के लोग आज भी कहते हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ से मिली हैं, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे पिताजी ने सिखाई हैं। तो मैं गेम में भी थी, मैं क्रिकेट में खेलती थी, तो हमारे वहाँ के टीम्स वाले पूछते थे कि कहाँ से सीख के आते हो आप ये, तो हम कहते थे कि हमारे पिताजी सिखाते हैं। तो मैम, डेरा के शिक्षण संस्थान, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैंने अपनी 8th to +2 यहीं पे की है और मुझे भी आज भी मान है कि वो पढ़ाई जो मैंने की है वो आज भी मेरे काम आ रही है। उसके बाद मैंने बीटेक भी की है, वहाँ भी मेरी वो पढ़ाई बहुत काम आई। यहाँ जो मैंने सीखा है वो मैंने कहीं और नहीं सीखा, तो मैं मानती हूँ कि यहाँ बहुत अच्छे स्कूल हैं, हर माँ बाप को अपनी बेटी को यहाँ ज़रूर भेजना चाहिए। और मैम, समाज के लिए बाबा जी ने क्या कहा है, ये बहुत अहम मुद्दा रहेगा हमारा कि समाज को कितनी ज़रूरत है बाबा जी की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन कैंप हैं, ये जो बच्चों की फ्री पढ़ाई है वो कराई जाती है। मतलब मेरे पेरेंट्स खुद पहले यही मानते थे, मेरी दादी वगैरह, कि नहीं बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। यहाँ आके मेरे पेरेंट्स ने जाना कि नहीं बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने ये जो मुद्दा उठाया है लड़कियों का, लड़कियों को पावर देने का, मैं सबसे पहले इन्हीं को मानती हूँ। फिर ब्लड डोनेशन कैंप, आर्मी को हमारा ब्लड जाता रहता है और भी बहुत सारे, जैसे पेड़ लगाओ, इतने ज़्यादा हम बेंगलोर में रहते हैं वहाँ पेड़ नहीं है, हमें ही पता है हमें कितनी दिक्कत होती है। तो यहाँ जो पेड़ हैं वो बाबा जी ने ये शुरू किए हैं कि पौधारोपण की संस्था, तो मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छे काम है और इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों को हमें गलत कहना चाहिए। हमें इनको गुंडे भी कहा गया जो हैं वेलफेयर फोर्स के मेम्बर हैं, लेकिन ये गुंडे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे गुंडे तो घर घर में होने चाहिए, मैं ये कहती हूँ। और मैम, इन द लास्ट आपका क्या कहना रहेगा हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूर आप एक बार यहाँ आइए, र्यूमर्स पे विश्वास मत कीजिए, लोग कुछ भी बोले आप ज़रूर यहाँ एक बार आके देखिए कि यहाँ पे क्या मिलता है हमें, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों इतने सारे लोग, क्यों आज इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये कोई किसी के कही सुनी बातें, जितने मुँह उतनी बातें वो आप विश्वास मत कीजिए, ज़रूर एक बार डेरा में आइए और यहाँ आके देखिए कि यहाँ क्या है। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।